जय हिंद। आज हम सभी यहाँ पे किश्तवाड़ के क्रिकेट ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं और ये मेरे ख्याल से ना सिर्फ 9 सेक्टर आरा बल्कि पूरे किश्तवाड़ वासियों की खुशकिस्मती है कि कारगिल विजय ज्योति जो है आज हमारे समस्त है। यहाँ पे उपस्थित डीसी साहब, कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडांट्स, वीर नारी, वीर माता, हमारे वेटरन्स और बाकी सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। कारगिल युद्ध जब हुआ था, शायद यहाँ पे मौजूद कुछ एक यूथ जो है सब पैदा भी नहीं हुए थे। ये एक ऐसा मिसाल है कि जब दो देश युद्ध में जाते हैं लेकिन ये धोखे से युद्ध किया जाता है। जब हमारे कारगिल हाइट्स बर्फ के टाइम पर खाली किए गए थे तब पाकिस्तान के जो सोल्जर्स है वो आके उसको ऑक्यूपाई किए थे, एक तरह से हमारे पीठ पे छुरा भुके थे, लेकिन फिर भी किस कठिनाइयों में, किस दुर्गम स्थिति में हमारे बहादुर पलटने जवान ऑफिसर्स उनको वहां से उधेड़ के निकाला। आज भी तोलोलिंग, टाइगर हिल और कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर अभी भी हमारे कानों में गूंजता है और शायद हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। तो इस अवसर पर उन सभी शूरवीरों को हमारा नमन और उनसे ज्यादा उन वीर नारी, वीर माता और वीर परिवारों को भी हमारा नमन, क्योंकि उन्होंने उस समय बिना संकोच अपने परिवारजनों को देश के लिए आगे भेजा और देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार किया, आज भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपके समस्त अभी खड़ा हूं तो मैं 2 मिनट अग्निपथ स्कीम जो हाल ही में अनाउंस हुआ है और काफी चर्चा में है, सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि में आप लोग देखते हैं, कुछ एक गलत फहमियां फैलाए जा रहे हैं, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं और ये जरूरी है कि जो यूथ उम्मीद रखते हैं कि फौज में भर्ती हो तो ये गलत फहमियों से दूर रहें और सही चीज जानें। ये अग्निपथ स्कीम जैसे अभी भर्ती हो रहा है वही मापदंड पे भर्ती होगा। सिर्फ संशोधन इस बात पे किया गया है कि अभी जो अग्निवीर आएंगे वो 4 साल के लिए नौकरी में आएंगे, उसके बाद उसमें से 25% रीएम्प्लॉयड होंगे, अप्लाई दोबारा करेंगे और रीएम्प्लॉयड होंगे एज परमानेंट सोल्जर्स। और ऐसा नहीं है कि अभी जो भी आता है वो पूरा अपना नौकरी करके जाता है, उसमें वेस्टेज रेट वैसे ही है। अभी हाल ही में 40,000 के करीब अनाउंस किया गया, हो सकता है ये ज्यादा आगे बढ़े। और अगर आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स और बाकी बेनिफिट्स पे देखें, ये हूबहू लगभग अभी जो परमानेंट सोल्जर्स हैं उनके बराबर है। 4 साल के बाद हर एक अग्निवीर को लगभग 12-13 लाख रुपए नगद मिलेंगे, इंटरेस्ट टैक्स फ्री। उसके अलावा बाकी जितने भी हमारे CAPFs सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे प्रायोरिटी मिलेगा। मैंडेटरी नहीं है कि आपको वहां पे साइड स्टेप किया जाएगा लेकिन प्रायोरिटी मिलेगा। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी सेना में या आर्म फोर्सेस में काफी नए टेक्नोलॉजी उपकरण इंडक्ट किया जा रहा है और सारे आर्म फोर्सेस को उन टेक्नोलॉजी को मैन करना, चलाना, जानना, इस्तेमाल करना जरूरी है। तो यंग टेक्नोलॉजिकली प्रोफिशिएंट आर्मी चाहिए और धीरे धीरे जब ये स्टेबल होगा फिर वो 25% 4 साल के बाद जब आते रहेंगे तो एक हर लेवल पर एक्सपीरियंस्ड सोल्जर होगा।
आर्मी एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन के लिए नहीं है, हमारा काम देश का रक्षा करना है, वो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। इसलिए कुछ एक चेंजेस जरूरी है समय समय पर, और ऐसा नहीं कि ये चेंज आज हो रहा है, पहले भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी इत्यादि में चेंज होते रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा जो हमारे यहाँ पे भी ट्रेन कर रहे हैं, इन गलत फहमियों से और र्यूमर्स से दूर रहें। जो भी आपको सब सवाल है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे जो आरआर पलटने हैं आप उनके पास आइए, आपको सारा क्लैरिटी मिलेगा। और जो ट्रेनिंग अभी आप हमारे साथ कर रहे हैं उसको जारी रखिए, बहुत जल्द जिसका फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, और खुश होके दिल से करना है, क्योंकि जो गलत रास्ते पे जाके उसके बाद फिर उम्मीद रखेंगे कि नहीं फौज में भर्ती होना शायद ना हो पाए। आखिर में मैं यहाँ पे मौजूद सभी जो यहाँ पे मौजूद हैं आप सबके शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड हम उम्मीद करते हैं कि कारगिल ज्योति विजय ज्योति जो हमारे मौजूद अभी यहाँ पे हमारे समस्त मौजूद है, ये आगे भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। जय हिंद, थैंक यू।